अभिषेक बच्चन ने 10वीं के टीजर से कैसे मचाया तहलका। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जियार। दोस्तों, अभिषेक बच्चन एक बार फिर से धमाल मचाने को तैयार हैं। इस बार वो गंगाराम चौधरी बनकर वापस आए हैं। अभिषेक की फिल्म 10वीं का टीजर जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही फिल्म की रिलीज डेट की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। 10वीं 7 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। टीजर में अभिषेक बच्चन हरियाणवी भाषा में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ओ अपराधियों, ज्यादा शोर ना करियो, अब से मैं 10वीं के लिए तैयार हूँ। उसके बाद वो रोड पर डांस करने लगते हैं। अभिषेक कहते हैं, जेल से 10वीं करना मारा राइट टू एजुकेशन। इस फिल्म में अभिषेक के साथ यामी गौतम, निमृत कौर समेत कई कलाकार नजर आने वाले हैं। वहीं दोस्तों, अभिषेक बच्चन को उनकी सरल स्वभाव के लिए जाना जाता है। एक स्टार किड होते हुए भी अभिषेक बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करा था। एक स्टार किड होते हुए भी अभिषेक बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया था। अभिषेक अपनी हर फिल्म में शानदार एक्टिंग करते हैं, इसके बावजूद उन्हें अभी तक वो सफलता नहीं मिल पाई जो उनके पिता यानी कि महानायक अमिताभ बच्चन को मिली थी। कई लोग तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया करते थे। उन्होंने हाल ही में एक घटना का जिक्र किया था जहां पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का खुलासा किया। अभिषेक ने कहा कि कैसे उनके साथ भेदभाव किया जाता था। एक्टर ने उदाहरण भी दिए और कहा कि कैसे उन्हें कहा जाता था कि आपको फ्रंट रो में बिठाया जाएगा किसी भी शो में, और जैसे ही वो वहाँ पहुँचते थे और कोई बड़ा स्टार आता था तो फिर से उन्हें पीछे बिठा दिया जाता था। वहीं दोस्तों, ये भी उन्होंने कहा कि मैं कॉल करता था डायरेक्टर्स को, वो मेरा कॉल नहीं उठाते थे और कई बार तो मुझे बताया भी नहीं जाता था और फिल्म से मुझे निकाल दिया जाता था। जब मैं शूटिंग के लिए पहुँचता था तब मुझे पता चलता था कि मेरे जगह किसी और एक्टर को रख दिया गया है। उसके बाद अभिषेक बच्चन ने कहा कि ये मैं पर्सनली नहीं ले सकता क्योंकि हर एक्टर के साथ ऐसा होता है, मेरे पिता के साथ भी ऐसा हुआ था। बस मैं ये करता था कि मैं घर जाता था और खुद से वादा करता था कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और फिर मुझे पीछे नहीं बिठाया जाएगा। तो अभिषेक बच्चन हमेशा से अपनी बातों को बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं और उनकी यही चीज़ फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको बता दें, अभिषेक बच्चन बॉम विश्वास में आखिरी बार नजर आए थे जिनमें उनकी बहुत ज़्यादा तारीफें हुई। उसके बाद द बिग बुल, लूडो, मनमर्जियां और अब वो 10वीं से धमाका मचाने को तैयार है। तो दोस्तों, आप कितना वेट कर रहे हैं 10वीं का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।